नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये ओरिजिनल कहानी जो है वो जिस किताब से ली गई है उसका नाम है फ़ोन कॉल्स फ्रॉम द डेड। और आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो बोनी नाम की एक लड़की की है। इसके बारे में मैं आपको कहता हूँ कि ये एक नॉर्मली एक लड़की थी, जैसे हमारे जीवन में मतलब चीज़ें घटती है वैसे ही ये बड़ी हो रही थी। वो ये कहते हैं कि उसकी जो माँ थी वो सिंगल मदर थी, वो अकेले ही अपनी बेटी को संभाल रही थी। और बोनी ये कहती है कि उसकी माँ के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। और पहले वो कहते हैं कि क्रिसमस में हम बहुत खुशी से मतलब धूमधाम के मतलब मनाते थे और बहुत खुशी होती थी। बोनी ये कहती है कि मैं हमेशा मतलब हमेशा क्रिसमस की वेट करती थी और मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ देने की कोशिश करती थी। हम बहुत ही अच्छे से पदार्थ बनाते थे और खाते थे। वो खुशियों का माहौल वो कहती है कि मैं कभी भी जीवन में नहीं भूल सकती। लेकिन जब बोनी ये कहती है कि मैं जैसे जैसे बड़ी हो गई, वो 20-21 साल की हो गई, तब से इसके और माँ में दोस्तों मतलब थोड़ी सी अनबन होने लगी। दोनों के एक दूसरे के विचार थोड़े से मतलब वो ये होने लगे। बाद में बोनी ये कहती है कि उसने किसी इंसान के साथ शादी की और वो अपने जीवन में आगे बढ़ती गई। इसका और इसकी माँ का पहले अच्छा मतलब संबंध मतलब बीच बीच में कांटेक्ट होता था, लेकिन धीरे धीरे वो ज़्यादा नहीं होता था। और बोनी मतलब उससे बाद में उसके हस्बैंड की जो तो ट्रांसफ़र था हो गया और इस वजह से वो बहुत ही दूर चली गई। तकरीबन 2000 किलोमीटर वो अपनी माँ के मतलब माँ से दूर रहती थी। तो बोनी ये कहती है कि बाद में फ़ोन पर भी ज़्यादा उनकी बात नहीं होती थी। और एक दिन बोनी को ये पता चला कि उसकी मॉम मतलब उसके घर में मॉम के घर में मतलब मृत अवस्था में मतलब मिली और उसकी जो मतलब हार्ट अटैक उसको हो गया था और वो आखिर के दिनों में अकेली ही रहती थी। तो मतलब किसी का मतलब पता नहीं चला तो बोनी को बहुत बुरा लगा। बाद में उस पर अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ किया गया। बाद में बोनी ये कहती है कि जब उसकी डेथ हुई थी उसके बाद तकरीबन 6-7 महीने के बाद क्रिसमस आने वाला था। बोनी को थोड़ा सा ये लगने लगा कि क्रिसमस में हम कितने मज़े करते थे पहले, लेकिन मेरे जीवन में थोड़ा सा मैं स्टेबल भी हो गई। फिर भी मैं अपनी माँ को मतलब क्रिसमस में मुझे बुलाना चाहिए था मेरी माँ को, लेकिन कभी भी मैंने उसको बुलाया नहीं। उसके मन में बहुत गिल्टी फील हो रहा था इन सारी चीज़ों से। तकरीबन बोनी ये कहती है कि फिर भी वो अपनी क्रिसमस की तैयारी कर रही थी। और एक दिन क्या हुआ दोस्तों, बोनी ये कहती है कि 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस, उसके पहले एक दिन 24 तारीख को शाम को अचानक उसका फ़ोन बजा और बोनी ने जब उठाया तब उसकी माँ दोस्तों फ़ोन पर बात कर रही थी। ये सच्ची घटना है। बोनी की माँ ने ज़्यादा कुछ बात नहीं की, उसने ये कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम अपने जीवन में बस खुश रहना, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे तुमसे कुछ भी गिले शिकवे नहीं है। जैसे मैं तुम्हें पहले मानती थी और प्यार करती थी वैसे ही आज मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुमसे सच में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना। बस इतने मतलब संदेश उसके आए। और बाद में दोस्तों सामने का आवाज़ जो बंद हो गया, बोनी एकदम रोने लगी। उसको समझ ही नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। बोनी ने बहुत बातें करने की कोशिश की लेकिन सामने से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था। और इसके बाद बोनी ने उस मतलब कहाँ से वो कॉल आया वगैरह उसको ट्रेसिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन मतलब साइंटिफिक रीज़न से अगर देखा जाए तो बोनी को फ़ोन ही नहीं आया था। लेकिन बोनी पूरी तरीके से मतलब अपने मतलब वो पूरी तरीके से श्योर है कि उसको 100% वो फ़ोन आया था। और बोनी कहती है कि उसने बहुत कुछ सीखा इन सारी चीज़ों से और कहीं ना कहीं उसके माँ को वो सारे संदेश देने थे। बोनी ने ये बात भी कही है कि बहुत लोगों को यह लग सकता है कि कोई और भी मतलब बोला होगा उसकी माँ के इसमें वगैरह, ऐसा नहीं है। क्योंकि बोनी ने यह कहा है कि उसकी जो माँ थी वो नॉर्वेजियन उच्चार थे उसके, वो वहाँ से आई थी, तो इस वजह से उसके बोलने में वो नॉर्वेजियन उच्चार मतलब बोलने के ढंग से उसको पता 100% चला कि हाँ उसकी वो माँ ही थी। तो ये दोस्तों एक सच्ची घटना है जो इस किताब में लिखी गई है। और मैं आपको सच कहता हूँ कि ऐसे जो अनुभव है वो बहुत कम लोगों के साथ होते हैं, लेकिन इसको हम नकार नहीं सकते कि ये लोग झूठे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने इस तरीके से वाक्यों का मतलब वर्णन किया है। तो दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।